नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीलाई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल्का से आ रही है। फाजिल्का में नव चेतना सोसाइटी द्वारा आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। चौक घंटाघर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के पूना से यहाँ पर पहुंची प्रेरणा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार लीलाधर शर्मा, विशाल कामरा सहित कृष्ण तनेजा, रजेश कसरीजा भी यहां पर उपस्थित रहे। दिक्पर से यहां पर पहुंची प्रेरणा सोसाइटी के सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है। फाजिल्का के चौक घंटाघर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। मेरा प्रवीण कोमल सिंह कछवा है। हम महाराष्ट्र से प्रेरणा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से आए थे और ये हमारा 17वां साल था कि हर साल अलग अलग भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं। तो इस साल सादकी बॉर्डर पे अच्छा सा ऑर्गेनाइज किया था और फाजिल्का में ज्योति बीएड कॉलेज है, अपना केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह पर हमने नेत्रदान के कार्यक्रम भी लिए और आज नेशनल यूनिटी डे है, इसी के कारण यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम रखा था और सुबह केंद्रीय विद्यालय में था। तो फाजिल्का की तरफ से हमें इतना प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये एक्चुअली लास्ट सिटी है यहाँ का और यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर देश प्रेम और देश भावना इतने जागरूक है। बहुत हम महाराष्ट्र की ओर से आपको सैल्यूट करते हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। आज यहाँ हम सभी महान विभूति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के ऊपर फाजिल्का के प्रसिद्ध घंटाघर पे इकट्ठे हुए हैं और विशेष तौर पर आज हमारे साथ पूना की प्रेरणा संस्था जो ब्लाइंड्स के लिए काम करती है और लगभग पिछले 17 वर्षों से वो भारत पाकिस्तान की अलग अलग सीमाओं के ऊपर जाकर जो वहाँ पे हमारे सीमा प्रहरी हैं उनको वहाँ पे सम्मानित करती है, उनको तिलक करती है। और आज इसमें सभी फाजिल्का की संस्थाओं ने यहाँ घंटा कर आकर जयंती के ऊपर उनको नमन किया। सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को हमारे नवचेतना सोसाइटी की अध्यक्ष सीमा डोडा जी, चरणजीत मैनी जी, भाई ब्रजेश कसरीजा जी, फाजिल्का की जितनी भी संस्थाएं हैं, मनोज नारंग जी, महेंद्र प्रताप ढींगड़ा जी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी ने एक संदेश दिया था भारत को इकट्ठा करने का और आज इसी को देखते हुए ये जो संस्था है ये महाराष्ट्र से आई हुई है और हमने आज एक यही संदेश दिया है, अगर हमने अपने मातृभूमि को आगे बढ़ाना है तो हमें सब कुछ छोड़कर मातृभूमि को सर्वोपरि करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। भारत माता की ये कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। वल्लभ भाई पटेल जी उन्होंने लोगों जो सी जिन्हों ने वक्त के सांचे बदले। जदों देश आज़ाद होया तो वक्त वक्त रियासतों के बीच वंडिया होया सी, उन्होंने इकट्ठा करना एक बड़ा जोखम भरिया काम सी, जड़ा कोई साधारण इंसान के वास्ता नहीं सी। इन्होंने रियासतों को इकट्ठा किया, देश का जो अज नक्शा है वह मेरे हिसाब के श्री वल्लभ भाई पटेल के कारण ही है। तो असी जो अज एक भारत का सुपना देख सके हाँ तो इस करके ही है। तो हूँ साडा फर्ज यह बनता है कि असी जिस तरीके नाल अखंड भारत उन्होंने बनाया तो आपस के सद्भाव बना के रखिए, तो इस तरीके नाल ही